तो अगर आप भी स्टील बर्ड SP-27 विंग हेलमेट बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 रीजन टू बाय दिस हेलमेट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो पहला रीजन है इस हेलमेट को बाय करने का, इसकी लुक एंड एरोडायनेमिक्स। मैंने ब्लैक कलर विद स्मोक वाइजर हेलमेट लिया है और इसकी लुक चेक करो। लुक्स की वजह से मैंने ये जो हेलमेट है बाय किया है। और आपको 1 लाख के हेलमेट की लुक 2000 के हेलमेट में मिल रही है, तो और आपको क्या चाहिए। और जो हेलमेट है इस टाइप से बना हुआ है, इसकी जो एरोडायनेमिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेकंड चीज़ जो इस हेलमेट में मुझे पसंद आई है वो है इसका स्पॉइलर। तो स्पॉइलर आप चेक करो कितना लॉन्ग स्पॉइलर है, और इसकी वजह से जो हेलमेट की लुक है A1 निकल के आती है। और सेम वही चीज़ AGB के हेलमेट में ऐसे स्पॉइलर आते हैं, और ये स्पॉइलर आपको स्टील बर्ड के इस हेलमेट में मिल रहा है। तो सेकंड रीज़न है ये इस हेलमेट को बाय करने का। थर्ड रीज़न है इस हेलमेट को बाय करने का इसका स्मोक वाइजर। चेक करो पूरा हेलमेट जब ब्लैक लगता है ना क्या ही लुक आती है, ब्लैक राइडर वाली। तो ये इसका स्मोक वाइजर है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें मुझे 2 वाइजर मिले हैं, एक तो स्मोक वाइजर मिला है जो मैंने लगाया है, और ये एक क्लीन वाइजर मिला है जो इसमें पहले से ही लग के आया था। तो ये वाला मैंने निकाल दिया, क्लीन वाइजर और स्मोक वाइजर मैंने लगा के रखा है। फोर्थ रीज़न है इस हेलमेट को बाय करने का सनसेट। तो इस हेलमेट में सनसेट मिल जाता है और इसे स्वाइप डाउन करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 2000 के हेलमेट में आपको सनसेट नहीं मिलता है, कम से कम आपको 3500 तक का हेलमेट बाय करना पड़ता है अगर आपको सनसेट चाहिए। तो पहली बार स्टील बर्ड ने 2000 के अंडर सनसेट लेके आए हैं। ये भी एक रीज़न था क्योंकि मेरे पास 2 हेलमेट हैं, एक तो स्टील बर्ड का टर्मिनेटर है और एक TBS का हेलमेट है रेसिंग, तो दोनों में सनसेट नहीं है। जो सनसेट की लुक है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, और अगर आप गर्मी में राइड करते हो तो आप सनसेट लगा सकते हो और जो एयर है आपको मिलती रहेगी, तो उससे आपको गर्मी नहीं लगेगी हेलमेट के अंदर। और फिफ्थ रीज़न है इस हेलमेट को बाय करने का, वो है ये जो हेलमेट है मॉडुलर हेलमेट है। तो इसे आप फुल फेस हेलमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप हाफ फेस हेलमेट भी बना सकते हैं। और इसे अभी मैंने हाफ फेस बनाना है, तो नीचे ये बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करूँगा मैं और इसे ऊपर को पुश करेंगे और ये अभी बन चुका है हाफ फेस हेलमेट। और इस तरह से मैं इसे हाफ फेस हेलमेट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे आप चाहे फुल फेस भी यूज़ कर सकते हैं और हाफ फेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्रंट में आपको एयर बैंड्स मिल जाते हैं, यहाँ ऊपर साइड और यहाँ फ्रंट पे भी एयर बैंड्स हैं अच्छे एयर फ्लो के लिए, और यहाँ साइड में भी 2 एयर बैंड्स मिले हैं। तो इससे जो हेलमेट का एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी पैडिंग की। तो इसमें आपको सिंगल पैडिंग मिलती है, और इस हेलमेट में आपको इंटरकॉम प्लेस करने की भी जगह इसके अंदर मिल जाती है। तो ये 5 रीज़न थे इस हेलमेट को बाय करने के, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई है जो कि 2000 के हेलमेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। जो फीचर्स इसमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हेलमेट आराम से 4-5 हज़ार का होना चाहिए, बट ये आपको 2000 में मिल रहा है। और इसे आप Amazon से बाय कर सकते हैं, और इसका जो बाय लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।